हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे BCG शेयर के बारे में, ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। एक लोअर सर्किट है फ्रेंड्स, आज भी शेयर में 43.70 का क्लोजिंग प्राइस है। वॉल्यूम है टोटल NSE एंड BSE को मिला के काफ़ी कम वॉल्यूम है आज का, ओनली 32 लाख का। सो फ्रेंड्स, यहाँ से शेयर अब एक नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। टारगेट जानना चाहते हैं आप नेक्स्ट डे के, तो प्लीज़ आप जाके मेरी मॉर्निंग की वीडियो प्लीज़ चेक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, ये 60-70 नहीं पहुँचेगी, ये ऑपरेटर्स गेम चल रहा है, 35 पे लेके जाते हैं, देन 35 से फिर 50 पे लेके जाते हैं, वहाँ से सेल ऑफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट फ्यू मंथ्स से ट्रेंड भी यही फॉलो हो रहा है। बहुत से इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में एक अच्छा अमाउंट बना रहे हैं, तो अब लोगों ने 49 के आसपास सेल कर दिया, एंड नाउ दे आर वेटिंग कि अब ये 35 के आसपास जाएगा, वहाँ से बाय दोबारा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज एक तो मार्केट नेगेटिव थी और जो IT इंडेक्स था वो भी नेगेटिव था। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक नॉन स्टॉप 70 तक चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, इसे टाइम लगेगा। मैंने आपको बोला भी था कि 75 जाने तक में इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो एक न्यूज़ आई है जो रिलेटेड हो सकती है BCG ग्रुप से, और अभी यहाँ पर गिरावट हम और ज़्यादा देख सकते हैं। न्यूज़ है फियर ऑफ जैक्सन होल। ये क्या होता है फियर ऑफ जैक्सन होल? तो एक USA में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में सारे फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट सब आते हैं एंड डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन, जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि कैसे कंट्रोल किया जाए। सो फ्रेंड्स, रिसेशन का टॉपिक तो मेन होने वाला है, और अगर कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आती है तो जो मार्केट में सबसे पहले जिस सेक्टर को असर पड़ता है वो होता है IT सेक्टर। और आपको पता है BCG जो ग्रुप है वो IT सेक्टर से ही बिलोंग करता है। सो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है जो हम BCG से जोड़ के रख सकते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, अगर अब इसमें डाउन ट्रेंड लोअर सर्किट लगे तो आप 35 रुपीज़ तक इसे मान के चलिए। वैसे जो नेक्स्ट टारगेट है जो अचीव हो सकता है वो मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बट अगर जैसे ये फियर ऑफ जैक्सन होल है तो इस केस में हम इसको 35 के आसपास ज़रूर जाते देखने को हमें मिल जाएगा फ्रेंड। ये 99% लोग अभी भी बोलते हैं शेयर को बाय करना चाहिए, और 1% लोग बोलते हैं सेल करना चाहिए। सो बट फ्रेंड्स, काफ़ी ऑपरेटर गेम चल रहा है और न्यूज़ बेस भी चल रहा है काफ़ी शेयर, तो आप थोड़ा सा केयरफुली इसमें एंट्री लीजिए और एग्जिट कीजिए। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ से बनेंगे वो बता देती हूँ, वो है 46.97, देन 47.93, एंड देन 48.42। एंड अगर डाउन ट्रेंड आता है और तो सपोर्ट ले सकता है 45.52 पे, देन 45.03, एंड देन 44 पे। सो फ्रेंड्स, आपको जो करंट न्यूज़ थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। और एक और चीज़ है, आज जैसे वॉल्यूम काफ़ी कम था, 32 लाख का वॉल्यूम था, बट आप क्या जानते हैं सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ था 86 लाख का, एंड बायर्स नहीं थे। तो अगर बायर्स होते तो वो सेलिंग ऑर्डर भी प्रोसेस हो जाता, तो सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बन गया इस शेयर पे। सो आई थिंक आपको जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट था मैंने दे दिया है, एंड कोई नेक्स्ट अपडेट आता है BCG शेयर से रिलेटेड डेफिनेटली वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। चैनल को अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।